के सबसे बड़े रेप और ब्लैकमेल कांड में कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। राजस्थान के अजमेर के बहुचर्चित रेप ब्लैकमेलिंग मामले में 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बचे हुए 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टारजन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा हर आरोपी पर कोर्ट ने 5,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अजमेर की प्रतिष्ठित स्कूल की छात्राओं की अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करने के मामले में यह फैसला आया है। दोषियों ने 100 से ज्यादा छात्राओं को अपना शिकार बनाया था। ये मामला 30 साल पुराना था। मई 1992 में इस मामले की शुरुआत हुई थी। उस समय पहली FIR तत्कालीन DYSP हरि प्रसाद शर्मा ने की थी। इस मामले के सामने आने के बाद न सिर्फ पूरे अजमेर बल्कि पूरे देश में बवाल मच गया था। यहां अजमेर शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की कई छात्राओं को इन दरिंदों ने अपना निशाना बनाया था। इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती था। उसके साथ कई अन्य आरोपी भी थे। इन लोगों ने पहले एक छात्रा को बहला फुसला कर अपने फार्म हाउस पर बुलाया, फिर उसके साथ रेप कर उसकी नग्न तस्वीरें खींची और फिर उसने ब्लैकमेल किया कि वह अपनी सहेलियों को भी वहां लेकर आए। वर्ष 1992 में अजमेर की स्कूली छात्राओं के साथ दुराचार और अश्लील फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करने का मामला उजागर हुआ था। इन बच्चों की उम्र उस समय 11 से 20 साल की हुआ करती थी। कई स्कूल तो अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूल थे। प्रकरण में पहले चरण में गिरफ्तार आरोपियों को साल 1998 में उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा 10 साल घटाकर 4 को दोष मुक्त किया था। इसके खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट गए जहां उन्हें भुगती सजा पर रिहा कर दिया गया। कई मासूम शिकार हुई थी। अपने अश्लील तस्वीरों के लीक होने के डर से मजबूर लड़की को मजबूरन अपनी सहेली को भी इस दलदल में धकेलना पड़ा। 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे एक एक करके ना जाने कितनी मासूम लड़कियों ने इस दरिंदों ने इन पर रेप किया इनके साथ और उनकी नग्न तस्वीरें उतारी। इसके बाद सबको ब्लैकमेल कर अलग अलग जगहों पर बुलाने लगे और उनको अपनी हवस का शिकार बनाया। ये स्कैंडल कैसे खुला ये हम आपको बता दे रहे हैं। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें वायरल होने लगी। इतने लोगों से ब्लैकमेल होने और अकेले इतना सब सहने के बाद एक एक करके लड़कियों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। इस तरह 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया। ऐसे ही हवा में तैरते हुए एक लड़की की अश्लील तस्वीर एक अखबार यानी वो दैनिक अखबार है उसके पत्रकार के पास पहुंची। उन्होंने मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो सारा सच उनके सामने आने लगा। मामले को लेकर ये आरोपी थे ये हम आपको बता देते हैं, जिनमें अनवर चिश्ती, फारूक चिश्ती, परवेज अंसारी, मोजुल्ला उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत उर्फ लल्ली, केला सोनी, महेश लुधानी, शशु भिस्ती उर्फ मैराडोना व नसीम उर्फ टारजन। सोहेल गनी ने करीब 29 साल फरार रहने के बाद समर्पण किया था। नफीस को दिल्ली में बुरका पहने गिरफ्तार किया गया था। अलमास महाराज अब भी फरार है जिसके खिलाफ मफरूरी में आरोप पत्र पेश हो चुका है। इस मामले में कुल 18 लोग आरोपी थे। इनमें से 9 को पहले ही सजा हो चुकी है जबकि 1 आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य आरोपी पर एक बिजनेसमैन के बेटे से कुकर्म के आरोप में अलग से केस भी चल रहा है। एक आरोपी अभी भी फरार है जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस मामले में 6 आरोपियों की ट्रायल इसी साल जुलाई में पूरी हुई थी और 8 अगस्त को फैसला आना था, लेकिन अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले के बाद सभी की निगाहें अब सजा की अवधि पर भी टिकी हुई थी। इतने बड़े स्कैंडल को सामने लाना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके उस पत्रकार ने पीड़िताओं को आगे आने के लिए हिम्मत दी और उनके बयानों को दर्ज करवाया, जिसके बाद उनकी मेहनत और लड़कियों की हिम्मत से इन दरिंदों को सजा दिलाई जा सकी।